अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइट्स के ऊपर। तो माइट्स बेसिकली जो रेयर माइट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक स्केलीफेस माइट्स होते हैं और एक एयर सैक माइट्स होते हैं। स्केलीफेस माइट्स जो होते हैं वो बर्ड्स के ऊपर विजुअल नज़र आते हैं, जैसे कि उसकी चोंच के ऊपर, उसके पंजों में, तो हमें फील होता है कि इस बर्ड को स्केलीफेस माइट्स का इशू है। और दूसरे किस्म के जो माइट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एयर सैक माइट्स। वो क्या करते हैं, वो बर्ड की सांस की नाली के अंदर जाकर ब्रीड कर देते हैं, वहाँ पर बच्चे दे देती है, जिस वजह से बर्ड जो हमारा होता है वो मुँह खोल कर सांस ले रहा होता है। और ज़्यादा में ज़्यादा 24 घंटे में अगर हमारा बर्ड इस कंडीशन में आ जाता है तो 24 घंटे में हमारा बर्ड एक्सपायर हो जाता है। और दूसरी किस्म ये होती है कि हमने अक्सर देखा होगा कि हमारा बर्ड जो होता है वो अपने आप को इचिंग कर रहा होता है, वो अपने पूरे जिस्म को ख़ारिश कर रहा होता है और हर वक्त जब भी हम उसे देखें वो बेचारा इचिंग में मसरूफ़ होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड पर नहीं आ रहा, हमने उसको मल्टीविटामिन भी दे दिए, कैल्शियम भी दे दिए, हर तरह की चीज़ें जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारा बर्ड ब्रीड पर नहीं आता। तो इस चीज़ के ऊपर हमारा ख्याल नहीं जाता क्योंकि हमारा बर्ड जो होता है वो स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस में होता है तो जब तक हमारा बर्ड स्ट्रेस में होगा वो बेचारा अपने आप को खुजाता रहता है, खुजाता रहता है। वो स्ट्रेस में है तो वो जाहिर सी बात है वो कभी भी ब्रीड पर नहीं आएगा, चाहे आप उसको सोना भी खिला दें। तो इन सब चीज़ों का जो दारोमदार है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे कह चुका हूँ, वो सफाई है। जितनी अच्छी आप अपने बेडरूम की सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा आपको माशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। सफाई आपकी अच्छी होगी बर्ड आपके अच्छे रहेंगे, सफाई आप नहीं रखेंगे तो बर्ड आप में आपके बर्ड्स में बीमारियाँ आएंगी, आपके बर्ड्स में माइट्स का इशू आएगा, आपके बर्ड में तरह तरह के मसाइल पैदा होंगे। तो अगर किसी बर्ड्स को ये इशू आ जाता है तो इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है विटाफार्म का एक स्कैट मिलता है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। आपने ये स्कैट का ड्रॉप्स होते हैं, ये बेसिकली आपने एक ड्रॉप अपने बर्ड पर अप्लाई करना है उसके जिस्म पर, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड में जो माइट्स का इशू होगा, जो आपका बर्ड स्ट्रेस में होगा, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो बर्ड होगा वो ब्रीड पर आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये इतनी बोतल होती है, आपने इस तरह इसको ऊपर सील लगी होती है ओपन कर लेना है और इसको किसी भी घर में बच्चों की कोई बोतल वगैरह होती है, कोई भी ड्रॉपर ले लेना है आपने इस तरह का, देखें जैसे मैंने ये ड्रॉपर लिया हुआ है और मैंने इसके अंदर ये सारा लिक्विड इंसर्ट किया हुआ है और इसी के थ्रू मैं अपने बर्ड को स्कैट अप्लाई करवाता हूँ। मेरी ये रूटीन है, मैं हर 3 महीने के बाद अपने हर एक बर्ड को पकड़कर स्कैट ज़रूर लगाता हूँ। ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे आपके बर्ड में इंशाल्लाह कभी माइट्स का इशू नहीं आएगा। तो चलें मैं अब आपको ये अप्लाई भी करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से ये अप्लाई करना है अपने बर्ड पर। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताऊँ कि आपने किस तरीके से अपने बर्ड पर स्कैट अप्लाई करना है। आप 3 तरीक़ों से अपने बर्ड पर स्कैट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं इस तरीके से बर्ड को पकड़ लेता हूँ। ये देखें आप, ये मैंने बर्ड को पकड़ा हुआ है, इसकी थाई को मैं हल्का सा इसकी लेग को मोड़ लेता हूँ और इसकी थाई के ऊपर एक ड्रॉप लगा कर इसी से इसको रब कर लेता हूँ। रब करने के बाद इसके बालों को मैं दोबारा इस तरह इसके ऊपर कर लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। और इसका दूसरा तरीका भी है लगाने का, वो ये होता है कि आप इसकी नेक के ऊपर से इस जगह से हल्के से बाल हटाएं और यहाँ पर भी आप इस तरह इसको एक ड्रॉप अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू से इसकी थाई पर लगाया तो मुझे उस तरीके से ज़्यादा ईजी फील होता है। तो इंशाल्लाह आप इसी तरीके से अपने बर्ड पर ये अप्लाई करवाएँ। तो चलें फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से आपको बताया आपने इसी तरीके से अपने बर्ड पर स्कैट को अप्लाई करवाना है, इंशाल्लाह आपके बर्ड में कभी भी माइट्स का इशू नहीं आएगा और कभी आपका बर्ड स्ट्रेस पे नहीं जाएगा और इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आपने सफाई का सबसे पहले आप जो ख्याल रखना है वो आपने सफाई का रखना है कि यहाँ तक नौबत आए ही ना। आप जितनी दवाई का ख्याल रखेंगे यहाँ तक नौबत नहीं आएगी।
तो इंशाल्लाह मैं सफाई का ख्याल भी रखता हूँ और मैं अपने बर्ड्स पर अपने बर्ड की केयर भी करता हूँ और माशाल्लाह मेरे बर्ड्स बहुत अच्छी, आप हेल्थ देख सकते हैं मेरे बर्ड की, बहुत अच्छी हेल्थ में है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड भी करते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं और किसी नई वीडियो के साथ, छोटी छोटी टिप्स के साथ हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।